हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, जो कि बायट साउट लॉ की एप्लीकेशन होगी फर्स्ट। यानी आज बेसिकली हम बायट साउट लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो पहली जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, ठीक। देखिए स्टूडेंट, तो मान लेते हैं अपने पास क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ये अपने पास क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है। स्ट्रेट कंडक्टर हमने नाम दिया इसको एक्स वाई। तो एक्स वाई अपने पास क्या होगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, ठीक है। इस स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होगा, आई करंट पास होकर जा रहा होगा। तो मान लेते हैं अपने पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट आई पास होकर जा रहा है। कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई इन विच आई विद अ करंट फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या मानते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी उस पॉइंट को मानते हैं। तो मान लिया कि अपने पास ये क्या है, पी पॉइंट है, जहां पर हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पी पॉइंट की डिस्टेंस इस वायर से क्या रहेगी, आर रहेगी, क्या रहेगी, आर। आर मानेंगे ए, मानते हैं क्या, मानते हैं ए, ठीक है। और वो क्या होगी, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मानेंगे, पी पॉइंट वो है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इस P पॉइंट के डिस्टेंस कहां से लेंगे, वायर से लेंगे, कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट P बी द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट A बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द वायर, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक निकालनी है और यूज करना है बायट साउट लॉ। तो क्या करेंगे हम, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे। ओके, तो हमने क्या लिया, ये छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, ये हमने क्या लिया, छोटा सा करंट एलिमेंट जिसको हमने नाम दिया ए बी, ठीक है। ये जो ए बी है इसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी, डीएल होगी, और ओ या ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, एल रहेगी, ठीक है। इस करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का ये रहेगा पोजीशन वेक्टर, क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं आर, आर वेक्टर, ठीक है। और ये हो गया डीएल अलोंग द टेंजेंट, और ये हो गया आर वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। तो क्या मानते हैं, करंट एलिमेंट मान लेते हैं। ऑल्सो कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट ए बी, करंट एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एफ सच दैट ओ ए इज इक्वल टू एल ए पी इज इक्वल टू आर एंड एंगल ए, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू थीटा। तो अब हमने मान लिया करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से जो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट is given by, given by बायट साउट्स लॉ, ठीक है। वो क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आएगी, ठीक है। ओके, अब यहां पर जो भी क्वांटिटी वेरिएबल है
उनकी हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे वेरिएबल क्या होगा कि भाई ये जो करंट एलिमेंट है हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, तो ये जो लेंथ है क्या करेगी, वेरी करेगी। ओके ठीक है, लेंथ वेरी करेगी, तो ये जो लेंथ यहाँ हो जाएगा तो ये जो एंगल थीटा है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थीटा क्या है, वेरिएबल है। ये लेंथ हमने डीएल इतना लिया है, इसकी लेंथ हम इतनी ले सकते हैं, तो डीएल भी क्या है, वेरिएबल है। तो जो भी क्वांटिटी वेरिएबल है उन सब की हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होगा, डीएल, वैल्यू वेरिएबल क्या होगा, साइन थीटा, और कौन होगा, आर। तो ये सारे क्या है, वेरिएबल है, और सभी की वैल्यू क्या करेंगे, इस ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल ओ ए टी में। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बात होना कि इस एंगल को नाम देंगे फाइव, क्या नाम देंगे, फाइव। ठीक है, तो हम यूज करते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी में। सबसे पहले क्या करते हैं, थीटा वैल्यू निकालते हैं, थीटा चेंज हो जाएगा, साइन थीटा भी हो जाएगा। तो देखो ये एंगल 90 है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 90 आएगा। तो थीटा प्लस फाइव कितना आएगा, 90। तो थीटा अपने पास आ जाएगा 90 माइनस में फाइव। ओके, तो साइन थीटा क्या बनेगा, दोनों सूत्र हम क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड साइन लगा देंगे। तो यानी जो साइन थीटा है वो अपने पास क्या जाएगा, कोस फाइव। साइन थीटा अपने पास क्या जाएगा, कोस फाइव। अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो आर है इसको निकालते हैं, तो क्या करते हैं, आर अपॉन ए करते हैं, क्या करते हैं, आर अपॉन ए। देखो भाई है ना, तो आपके पास एंगल देखिए ये बना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो जाएगा सीकेंट, सीकेंट फाइव। तो आर इजिकल टू आ जाएगा ए सीकेंट फाइव, आर कितना जाएगा, ए सीकेंट फाइव। ओके, अब क्या करते हैं, इस एल की वैल्यू निकालते हैं, एल, तो एल अपने पास क्या आएगा, तो एल अपॉन में क्या करेंगे, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो जाएगा टेन, हो जाएगा टेन फाइव। तो L इजिकल टू हो जाएगा A tan phi, A tan phi। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए, DL चाहिए, तो इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो L को क्या लिखेंगे, DL A, tan का क्या होता है, secant square। ठीक है, एंगल का क्या लिखेंगे, D phi। तो ये अपने पास क्या की सारी वैल्यू आ गई, क्या देंगे, सारी वैल्यू। ठीक है, sin थीटा को लिखेंगे cos phi, DL को लिखेंगे A secant square phi D phi, R को लिखेंगे A secant phi। तो अब अपने पास dp क्या बन जाएगा, भाई स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i, dl कितना आएगा, a secant square phi d phi। ओके, हो गया यहां dl। sin theta ये लिखेंगे भाई, sin theta की जगह cos phi अपॉन में r, r का स्क्वायर है तो इसका कर देंगे स्क्वायर, भाई r स्क्वायर secant square phi। तो भैया ये सारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, secant square phi secant square phi। ओके, कैंसिल हो गई, तो बच गई वो लिखते हैं dp is equal to mu naught upon 4 pi i a cos phi d phi upon में, चलो यहां क्या आता, a square आता, तो a के से a के कैंसिल हो जाएगा, तो जरा a के से a के कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास क्या बच जाएगा, i cos phi d phi upon a। ओके, ये सारी वैल्यू आ गई। अब जितने भी करंट एलिमेंट आएंगे, ये 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 सब की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहां आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी। सेम डायरेक्शन कैसे, कि लास्ट टाइम रूल बताया था, रूल क्या है कि भाई राइट हैंड जो है उसकी फिंगर्स को कहां रखो, dl पर रखो, dl पर रखा ऐसे, और r की तरफ रोटेट करो, r की तरफ क्या करो, रोटेट करो, तो अंगूठा कहां जाएगा, अंदर वाले साइड। जितने भी करंट एलिमेंट आएंगे सब की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहां आएगी, अंदर वाली साइड आएगी। इसका मतलब जितने भी करंट एलिमेंट आएंगे सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली साइड आएगी, तो सब को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या है कि भाई हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस पूरे वायर को, इस पूरे वायर को क्या करेंगे, एंगल से क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि वेरिएबल कौन आया है, एंगल। तो एंगल से क्या करेंगे, इस पूरे वायर को हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। तो बोलेंगे ये वाला जो एंगल बनता है नीचे वाला एंगल, इसको बोलेंगे फाइव वन, ये जो एंगल बनता है इसको बोलेंगे फाइव टू। ठीक, लेकिन नीचे वाला जो एंगल होगा उसको लेंगे माइनस का, ऊपर वाला क्या लेंगे, प्लस का।
ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जितने भी करंट एलिमेंट है सबके जो मैग्नेटफील्ड कहाँ आएगी, अंदर वाली साइड आएगी। तो टोटल मैग्नेटफील्ड जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे निकालेंगे, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई है इसका हम क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से लेंगे कहां तक, तो बोलेंगे फाइव वन से लेके फाइव टू तक, लेकिन फाइव वन कैसा लेंगे, माइनस का। अब जितने भी ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है कहां जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बच जाएगा, कोस फाइव। क्या बच जाएगा, कोस फाइव। तो बी अपने पास जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई आई अपॉन में ए, इंटीग्रेशन आएगा कोस फाइव डी फाइव और माइनस फाइव वन से लेके माइनस प्लस फाइव आई टू तक, प्लस फाइव टू तक क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई आई अपॉन में ए, कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन फाइव, फाइव टू और माइनस फाइव, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है फाइव, तो लिखेंगे साइन फाइव का, माइनस में लोअर लिमिट तो आएगा साइन माइनस में फाइव वन, ये आ जाएगा। अब जो होता है साइन माइनस थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, वो माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई आई अपॉन में ए, ये आ जाएगी भाई साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन। तो ये अपने पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया, जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होगा लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसी बेसिस की, ठीक है। यदि अपने पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता, ठीक है, तो उस केस में, और साथ में बोलते हैं पॉइंट पी लाइज नियर टू मिडल पॉइंट, यदि अपने पास पी पॉइंट ये बहुत बड़ा वायर होता, ओके ठीक है, पी पॉइंट कहाँ होता, वायर के बीच में कहीं, बीच के आसपास कहीं लाई करता, तो उस केस में जब हम चेक करते हैं तो भाई फाइव वन और फाइव टू दोनों एंगल क्या होते हैं, लगभग 90-90 के होते, क्योंकि बहुत बड़ा वायर है, तो वायर के साथ ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, कितने बनेंगे दोनों, 90-90 बनेंगे, ठीक है भाई। तो भाई साइन 90 साइन 90 ये वन हो गया, ये वन हो गया। तो जब इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई वो आएगी टू आई अपॉन में ए, कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई टू आई अपॉन में, ठीक है भाई। अब अपने पास क्या हो, सेम इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ओके, पी पॉइंट जो है नियर वन एंड, किसी एक एंड के पास क्या होगा, पी पॉइंट लाई करेगा। जब किसी एक एंड के पास होगा, मान लो यहां पर है, ठीक है, तो ये लाइन होगी और यहीं इसी को मिलाना है, तो यहां पर तो एंगल बनेगा फाइव टू, वो तो बनेगा जीरो, और इसको यहां से मिलाएंगे ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90, क्या बनेगा 90। तो उस केस में एक एंगल जो बनेगा, एक एंगल वो तो बनेगा भाई जीरो, और जो दूसरा जो एंगल है वो बनेगा कितना, 90, क्या बनेगा 90, ठीक है। तो इस केस में बोलते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, बी आएगी। तो भाई साइन 90 वन हो गया, साइन जीरो जीरो हो गया, तो जीरो प्लस एक वन, वन इंटू दिस यही आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई यहां देगा आई अपॉन में ए, क्या देगा आई अपॉन में ए, और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी आधी है, क्या इसकी आधी है। तो इस वजह से इस केस को हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, ठीक है। अब मान लो अपने पास फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, और जो पॉइंट पी है वो नियर टू मिडल पॉइंट,
मिडिल पॉइंट के आसपास है, ठीक है। पी पॉइंट का नियर टू मिडिल पॉइंट। तो इस केस में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, भाई ये मैंने बोला कि मेरे पास स्ट्रेट वायर हो गया एक्स वाई, ठीक है, पी पॉइंट बिल्कुल मिडिल पॉइंट के सामने होगा, तो ये वाला एंगल क्या बनता है फाइव वन और ये वाला एंगल बनता है फाइव टू। तो जब तो इस केस में क्या बोलेंगे, दोनों एंगल बराबर बनेंगे, ये यहां से ऊपर वाला एंगल यहां से नीचे वाला एंगल क्या आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। तो फाइव वन और फाइव टू दोनों क्या आएंगे, फाइव आएंगे। तो साइन फाइव कितना हो जाएगा, टू साइन फाइव। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी म्यूनोन कोण में फोर पाई टू आई अपॉन में ए और ये जाएगा साइन फाइव, ठीक है। यहां पर इसको हम सोल्व करके इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि भाई इस पूरे वायर की जो लेंथ है कितनी है, एल है, तो ये आ जाएगी भाई एल बाई टू, ये आ जाएगी ए। तो ये वाली जो लेंथ है कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर बाई फोर प्लस में ए स्क्वायर। अब यदि हम निकाले साइन की वैल्यू, तो साइन आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यह आएगा म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई टू आई अपॉन में ए। और साइन फाइव परपेंडिकुलर कितना जाएगा, एल बाई टू अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यह आएगा एल स्क्वायर बाई फोर प्लस में ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो बस कितना आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई, ये आ गया आई एल अपॉन में ए। यहां से मैंने क्या लिया, l से मैंने लिया फोर, तो यहां आ गया l स्क्वायर प्लस में आ गया फोर ए स्क्वायर, क्या जाएगा इसमें लेंगे तो फोर ए स्क्वायर, ये फोर बाहर आएगा नीचे आ जाएगा टू, ये टू पर चला जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई टू आई एल ए एल स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर का रूट, ये मेरे पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस स्ट्रेट वायर की जैसे पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैटर्न जो आता है, पैटर्न वो कैसा आता है, जो मान लो स्ट्रेट कंडक्टर हो गए, तो पैटर्न जो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या आएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या आएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर क्या करेंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे, रूल बताएंगे हम, राइट हैंड थंब रूल, क्या बताएंगे राइट हैंड थंब रूल, कैसे बताएंगे कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा ऊपर वाले साइड, है ना, तो अंगूठा बताएगा करंट का डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन। तो यहां से करंट कहां जा रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फ्लक्स कहां जाएंगे अंदर, ऐसे घूमेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो ऐसे क्या करेंगे हम, एलोमेशन लगा देंगे, यहां से जाएंगे अंदर वाले साइड, यहां से आएंगे बाहर वाले साइड, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी अंदर वाले साइड, मतलब यहां पर कौन सी आएगी बाहर वाले साइड, क्रॉस मतलब मैडिफिल अंदर वाले साइड, डॉट मतलब मैडिफिल बाहर वाले साइड। तो रूल बताएंगे राइट हैंड थंब रूल। तो फ्रेंड्स ये सारा जो बातें हैं सारे फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में, ये और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैडिफिलेंस के लिए रूल कौन सा देंगे। ओके स्टूडेंट, ये सारे बातें लेक्चर में इसके ऊपर कुछ टॉपिक्स कुछ और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।